ओवर थिंकिंग या चिंता या ज्यादा सोचने की बीमारी, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ओवर थिंकिंग या ज्यादा चिंता करना, उसकी एक बीमारी होती है। ये लोगों में काफी नकारात्मक सोच आती रहती है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, GAD होती है। अब ये लोग कैसे होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सब निगेटिव सोचते हैं। जो लोग पहले से बहुत सेंसिटिव है उनमें ज़्यादा दिखाई देती है, लेडीज़ में ज़्यादा दिखाई देती है, और ज़्यादातर रोज के जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली एक्टिविटीज़ में उनको वो ओवर थिंकिंग और निगेटिव सोच आती रहती है, चिंता आती रहती है। ये क्या एक्चुअली, ये एक्चुअली पैथोलॉजिकल वरी है। मतलब एक्चुअली वरी होना नहीं चाहिए, या समझो वरी होती है तो छोटी सी, मतलब टेम्पररी टाइमिंग वरी होंगी, इनको बहुत ज़्यादा रहती है। समझो अभी अकोला से बॉम्बे जाने का है, अपना टिकट है निकाला हुआ, रिजर्वेशन है, सभी है, तभी इनको बहुत चिंता लगेंगी। क्या गाड़ी टाइम पे आएंगी, क्या मुझे बर्थ मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर क्या नींद आएंगी नहीं आएंगी, फिर कल सवेरे गाड़ी ठीक पहुँचेंगी, क्या मैं वहाँ जा सकूँगा जहाँ मुझे जाना है, कल अपॉइंटमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच। या आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सोचेगा कैसा, क्या मेरी पढ़ाई हो रही है तो फिर मुझे याद भी नहीं रह रहा है, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ मगर भी एग्ज़ाम में कैसा होऊंगा, फेल होऊंगा क्या, फेल होऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, और फिर उसकी वजह से फिर धड़कन है, घबराहट है, ट्रेमर्स है, पसीना है, और फिर बेचैनी, और फिर दिल लगता नहीं, कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं। समझो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को क्या होगा कि क्या मेरे बच्चों का मैं सवेरे उठ पाऊंगी, क्या मैं बच्चों का कर पाऊंगी, बच्चों को नाश्ता वगैरह करके तैयार करके क्या मैं स्कूल भेज पाऊंगी, क्या मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो मेरे से नाराज़ तो नहीं होंगे। अभी एक लेडी मेरे पास में आई थी, उसको हरदम डर है कि शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे क्या बोलेंगे, क्या तूने दिन भर किया, तूने बराबर काम ही नहीं किया होगा, उनको मैं चाय दे सकूंगी कि नहीं, उनको मैं नाश्ता शाम को दे सकूंगी कि नहीं, मतलब ऐसे छोटी बात के ऊपर उसको बहुत चिंता और पैथोलॉजिकल वरी। रिलेशनशिप में होगा तो उसको लगा कि क्या मेरी वाइफ मुझे छोड़ देंगी, क्या नाराज़ है वो, क्या उसके घर वाले नाराज़ है। अच्छा जॉब वाला होगा तो क्या मेरा बॉस मेरे से नाराज होगा, क्या मैं मेरे प्रोजेक्ट ठीक टाइम पे मैं कर सकूंगा, नहीं किया तो क्या मुझे वो निकाल देगा नौकरी से। समझे छुट्टी भी मंगना है उनको, लीव, तभी भी वो लीव मंगना कि नहीं मंगना, मतलब उसके पहले उनकी धड़कन शुरू हो जाएंगी, उसके पहले निगेटिविटी आ जाएंगी, लीव मांगू कि नहीं, उससे अच्छा लीव मांगने का नहीं काम पे जाने का, मतलब इस तरह का रहता है कि छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस, बहुत वरी, निगेटिविटी और चिंता। ऐसा बोला जाता है कि चिता और चिंता समान होते हैं, चिंता चिता समान, चिंता करते हो वो चिता जैसे ही जल्दी आदमी मर जाता है, चिंता से चिंता करते हो तो आदमी अंदर से जल जाता है चिंता करते हैं तो, और चिता से बाहर से जल जाता है, चिंता चिता समान है। एक्चुअली ऐसी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम है, मगर ये एक्सट्रीम सोचते हैं एकदम आखिरी का, एक्चुअली हुआ भी नहीं रहता कभी ऐसा। उनको पूछो कि भाई क्या ऐसा हुआ है, नहीं वो हुआ नहीं, हमारा डर लगता है, किसका फोन भी आ गया तो उनको डर लगता है कि क्या होगा भाई फोन के ऊपर, वो सामने वाला क्या बोलता होगा, टेंशन एकदम, फोन से फटाक से उठा लेंगे, क्या होगा कुछ बुरी खबर है क्या, ऐसा मतलब इतना डर सब बैठा रहता है। थोड़ा लेट कोई आ गया घर में, शाम को आने वाला बच्चा समझो लेट आ गया, पति लेट आ गया, तो उनको उसमें डर रहेगा, मतलब कंटिन्यूसली वो एक टेंशन में, स्ट्रेस में डरे हुए इंसान और सब निगेटिव सोच वाले इंसान रहते हैं। एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक तो ऐसा है कि ये लर्न बिहेवियर हो सकता है, घर वाले ऐसे होंगे, माँ बाप ऐसे होंगे। दूसरी एक स्टडी ऐसी है कि ये लोगों में सेरोटोनिन लेवल्स जो है वो कम मात्रा में दिखा, मतलब जो कम लेवल या कम मात्रा दिखाई देती है, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल रिलैक्सिंग हार्मोन है, वो कम है तो फिर उनका टेंशन बढ़ते जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन लेवल जो एक्साइटेड हार्मोन है बहुत ज़्यादा समझो मात्रा में है तो वो ज़्यादा सिम्टम बताएगा। ये कोई जेनेटिक नहीं, अनुवंशिक नहीं है, मगर सीख के आया हुआ हो सकता है कि लर्न डिसऑर्डर, लर्न बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो इसमें एक्सप्लेन करती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोचते हैं, अनरियलिस्टिक सोचते हैं, और उसकी वजह से, मतलब पैथोलॉजिकल सोच है उसकी वजह से इनको बीमारी होती है, तो इनको सोच जो है इनकी ये अनरियलिस्टिक है, वो वास्तवतावादी नहीं है, और इसलिए उनको ऐसा होता है। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है कि इनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देना चाहिए या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी देना चाहिए, जो हम देते हैं। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन है तो दवाइयाँ देना, एंग्जियोलाइटिक्स, जिससे टेंशन एंग्जाइटी कम होंगी, और तीसरा हिप्नोथेरेपी या साइकोथेरेपी, जिसमें भी हिप्नोथेरेपी हम विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन करवाते हैं जिससे उनको अच्छा लगता है।
तो ये हम इलाज करते हैं तो उनका जीवन मतलब अच्छा हो सकता है। क्या होता है कि लोग जाते नहीं डॉक्टर की तरफ, हम क्या पागल है क्या, हमको क्या हो गया। अरे भाई पागल है करके जाना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कुछ भी बीमारी है तो जा सकते हैं, कोई समस्या लेकर जा सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, हमारे काउंसिलर से, हमारे कोचेस से, वो आप हमारा कांटेक्ट करवा दे के देंगे और आपकी मदद कर सकते हैं। हमारा ऐप है, आप डाउनलोड करो, उसमें भी आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।